एक नगर में बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उस आदमी ने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया। उसके पास इतना धन था कि वह उस नगर को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन भर में किसी की मदद तक नहीं की। इतना धन होने के बावजूद उसने अपने लिए भी उस धन का यूज नहीं किया, ना कभी अपनी पसंद के कपड़े, खाना और बहुत सी इच्छा की पूर्ति तक नहीं की। वह केवल अपने जीवन में पैसा कमाने में बिजी रहा। वह इतना व्यस्त और मस्त हो गया कि उसे पैसा कमाने में और उसे उसके बुढ़ापे का भी पता नहीं चला और वह अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। इस तरह उसके जीवन का अंतिम दिन भी नजदीक आ गया। वो यमराज उसके प्राण लेने धरती पर आए, जिसे देखकर वह आदमी डर गया। यमराज ने कहा, अब तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है और मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। यह सब सुनकर वह आदमी बोला, प्रभु अभी तक तो मैंने अपना जीवन जिया भी नहीं, मैं तो अभी तक अपने काम में व्यस्त था, अतः मुझे कमाई हुई धन दौलत का उपयोग करने के लिए समय चाहिए। यमराज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, तुम्हारे जीवन के अंत दिन समाप्त हो गए हैं और अब दिनों को और नहीं बढ़ाया जा सकता। यमराज की यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, प्रभु मेरे पास इतना पैसा है, आप चाहो तो आधा धन लेकर मुझे जीवन का एक और वर्ष दे दीजिए। यमराज ने उसे फिर मना कर दिया। फिर आदमी ने कहा, आप मेरा सारा धन लेकर एक घंटा ही दे दीजिए। तब यमराज ने उसको समझाया, बीते हुए समय को धन से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपने देखा कि जिस आदमी ने अपना संपूर्ण जीवन जिसको कमाने में लगा दिया, वही चीज उसके लिए एक सेकंड का समय भी नहीं खरीद सकी। जीवन भगवान द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहारों में से एक है, जिसको पैसों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन के हर पल का आनंद लीजिए, जिंदगी को आज में जीना सीखें, क्योंकि ना हम अपने पास्ट को बदल सकते और अगर हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं तो उसकी शुरुआत भी आज से ही करनी होगी। इसलिए जीवन के हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। कहा गया है, लाइफ इज वेरी प्राइसलेस, सो डोंट लेट इट गो इन वेन। हर पल को खुशी के साथ जिए, तभी आप अपने जीवन में खुश हो सकते हैं।